इसको बड़े बड़े लाल खूबसूरत फूल निकलते हैं। अब ये सर्दी की वजह से, कोहरे की वजह से सूख गया और इनका शूट्स में अब वो फूल नहीं आएंगे। तो मैं इसको अब आज इसको रीप्लांट करने लगा हूँ। अब फरवरी का महीना आ चुका है, आ रहा है बाहर का महीना, बाहर का मौसम शुरू होने वाला है। 15 फरवरी से जोर बाहर का महीना, जोर स्प्रिंग जो सीज़न होता है जोर शोर पे होता है। तो मैंने चाहा कि इसको भी रीप्लांट कर दूँ ताकि इसकी जो मिट्टी है वो रिफ्रेश हो जाए और साइल जो है ना, मैं उसको खाद वगैरह डाल के दोबारा से मैं ये लगाऊंगा ताकि ये फिर आगे खूब फूल दे और बड़े फूले। तो ये मैंने पहले से निकाल दिए थे, अभी निकाले हैं वीडियो बनाने से पहले। तो मैं चाहता था कि आपको दिखा दूँ कि कैसे ये इनको इस गमले से सारों को निकाला है। ये सारे पौधे इसी गमले में, अब इस इनमें से मैं 2-3 इसमें लगा दूंगा, रीप्लांट कर दूंगा ताकि वो ज़्यादा ये पप्स देते हैं ये बच्चे, ये ऐसे, तो ये ज़्यादा बच्चे दें, पप्स दें और ये इनको ज़्यादा फिर फूल निकले। अब करूंगा क्या इसमें, मैं थोड़ी सी ये मेरे पास पड़ी है खाद है, मैनुअर है जिसे हम रूढ़ी अपनी ज़बान में रूढ़ी भी कहते हैं। ये देखेंगे, ये 2-3 साल की पुरानी रूढ़ी थी, तो ये मैंने इसमें मिला दी है, काफ़ी सारी मिला दी है और ये बस यही रूढ़ी मिलाऊंगा इसमें। और इसको मिट्टी जो है ना, इसको मैं इस कांडी से ऐसे गमले में मिला दूँगा, तो ये दोबारा से जो साइल है इसकी गमले की रिफ़्रेश हो जाएगी। और चाहिए था तो धूप लगाता है एक दो, लेकिन धूप निकली नहीं, कितने दिन हो गए, आज भी धूप नहीं निकली हुई, इसलिए मैंने चाहा कि लेट हो रहा हूँ तो इसको मैं रीप्लांट कर दूँ। अब रीप्लांट करना बड़ा ही आसान है। इस एक मैंने ये देखो बचा के रखा हुआ, ये इसके साथ थोड़ी सी मिट्टी है, इसकी जड़ जाया सारी ज़ाया नहीं की मैंने, मिट्टी साइल सारी नहीं उतारी जड़ से, तो इसको मैं यहाँ दरमियान में इसको लगा दूँगा। ये इसी तरह ही शगुफे निकालने शुरू कर देगा, बहुत शगुफे निकालते हैं। बस थोड़ा सा और नीचा कर लेता हूँ, यह देखें, चलो ये अब नीचे ये हो गया। इसके साथ मैं एक दो और लगा देता हूँ, ये मेरे पास पड़े हैं काफ़ी सारे, ताकि पौधे ज़्यादा बन जाए जल्दी से और ये इंशाल्लाह फिर गर्मियों में खूब फूल देता है। ये देखें, ये बस ऐसे ही है, अब इसको लगा दिया, इसको भी लगा दिया, ये इस पर थोड़ी सी मिट्टी में और डाल दूँगा तो ये रीप्लांट हो गया। एक होता है ट्रांसप्लांट, एक गमले से दूसरे गमले में, रीप्लांट होता है उस दोबारा उसी गमले में पौधे को लगा देना, मिट्टी वगैरह तैयार कर देंगे, उसी पुरानी मिट्टी है ये, मैं थोड़ी सी ऊपर डाल दूँगा ताकि जो नीचे वाली खाद वगैरह डाली है उसको हवा ना लगे और वो जल्दी से गल के इसको खुराक देना शुरू करो। लो जी, ये इसका प्रोसेस है। इतना ही, एक पौधा और लगा देता हूँ इसमें ताकि और ज़्यादा, ये देखो छोटा सा मैंने और लगाया, बड़े नहीं लगाता, ये सूख चुके हैं, इसमें फूल नहीं आएंगे, अब इनमें फूल आएंगे, इनसे जो निकलेंगे। और ये भी एक मेरे पास अच्छा सा है, इसको भी मैं लगा देता हूँ ताकि चार और चार लग जाएंगे और ये वो फूल बड़े पड़ेंगे। लो जी, ये सारा प्रोसेस है इसका रीप्लांट का, ये मुकम्मल हो गया। गमले में 1-1.5 इंच जगह छोड़ेंगे, मिट्टी नीचे रखेंगे ताकि वो पानी इसमें डालें तो पानी गमले को पूरा हो गया। ये ट्रांसप्लांट का प्रोसेस है। आज ये मेरे पास पौधे ज़्यादा हो गए, ये चल तो सकते हैं लेकिन मेरे पास और गमले नहीं हैं, इससे जितने ये बड़े हुए हैं इतने ये पौधे और गमले बन सकते हैं, लेकिन मैं एक गमला ही इसके लिए बनाता हूँ, इसी में फूल आ जाते हैं बहुत सारे, वो फिर गर्मियों में इसके फूल आते हैं और एंड गर्मी में बहुत फूल आता है, तो ये फिर भर जाता है। यही तरीका है इसका, आसान सा, कोई मुश्किल नहीं है, आप भी घर में सारा कर सकते हैं। ये थोड़ी मिट्टी लाएं, गमला बनाएं और उसमें फूल लगाएं तरह तरह के, और वो फिर आपकी छत जो है बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगी और दिल भी लगे रहेगा और माहौल भी अच्छा होगा।